जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों आज बीएड फर्स्ट ईयर का भी एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो गया, तो इस तरह से ये जो हमारा सेशन था यहाँ पे सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए जो हमें सेंटर पे थ्योरी पेपर देना था। अब आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी, आगे क्या होगा, तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल्स के बारे में, क्योंकि एग्ज़ाम्स के बाद आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल कब होगा, ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रैक्टिकल कब होगा। दोस्तों विश्वविद्यालय की तरफ से कोई ऑफिशियल डेट नहीं होती है कि प्रैक्टिकल इस दिन पे आपके कॉलेज में होगा। यूनिवर्सिटी से कुछ एग्जामिनर, कुछ टीचर, दो या तीन टीचर आपके कॉलेज में आते हैं, उनके सामने आपके फाइल देखे जाते हैं, आपसे वाइवा लिया जाता है फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में आपकी फाइल चेक होती है, आपका वाइवा लिया जाता है, और आपको एक टीचर एग्जामिनर के सामने एक टीचिंग करनी होती है। पीछे कुछ बच्चे बैठे रहेंगे और सामने एग्जामिनर बैठे रहेंगे, आपको ब्लैक बोर्ड पे एक टीचिंग करनी होती है। तो जो आपका आदर्श पाठ योजना होगा उसमें से कोई एक लेसन प्लान आपको एग्जामिनर के सामने पढ़ाना होगा। ये हो गई बात सेकेंड ईयर की। दोस्तों फर्स्ट ईयर की प्रैक्टिकल की बात करें कि फर्स्ट ईयर की प्रैक्टिकल कैसे होती है, तो इनका प्रोसेस बड़ा सिंपल होता है। आपने जो फाइल लिखी है ना, उस फाइल को आप एग्जामिनर के सामने लेके जाएंगे। सबसे पहले आप ड्रेस में जाएंगे और एग्जामिनर के सामने रखेंगे। एग्जामिनर आपके सारे फाइल्स नहीं देखते, वो मोस्टली आपके लेसन प्लान देखते हैं। लेसन प्लान को बस एक बार देख लेंगे, अगर कॉलेज के द्वारा वो चेक है तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करते। आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, सिंपल से क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि लेसन प्लान की यूजेस क्या हैं, लेसन प्लान बनाते समय कौन से स्टेप को फॉलो करने हैं, या फिर आपके जो सब्जेक्ट्स हैं चाहे एक्शन रिसर्च पूछ ले, कुछ भी एक प्रश्न पूछ सकते हैं, उसमें कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं है, ये तो है ही वाइवा, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का इस प्रकार से होता है कि आपने फाइल दे दिया, सर एक बार देख लेंगे फाइल और आपसे कुछ एक दो प्रश्न पूछ लेंगे और फिर आपका ये वाइवा ख़त्म हो गया, वापस आ जाएंगे। दोस्तों प्रैक्टिकल में जो मार्क्स मिलते हैं ना, वो सबके लगभग एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर इसी के अंतराल पर मिलते हैं। कॉलेज वाले मोस्टली अपने मन से दे देते हैं, प्रैक्टिकल्स जो एग्जामिनर आते हैं वो तो बस ऐसे आते हैं, बट कॉलेज अपनी तरफ से अच्छे मार्क्स दे देते हैं। 20 नंबर के हर एक सब्जेक्ट्स में 18, 19, 20 इतना सबको मिल जाता है। ये बात हो गई फर्स्ट ईयर की। अगर हम सेकेंड ईयर की बात करें कि सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल कैसे होता है, सेकेंड ईयर में आपको उसी प्रकार से आपको अपनी पूरी फाइल लेके जानी होती है, एग्जामिनर को देना होता है। आपकी एक फाइल होती है जिसको आदर्श पाठ योजना कहते हैं, वहाँ से आपको कोई एक लेसन प्लान एग्जामिनर के सामने पढ़ाना होता है। सीटिंग ऐसी लगेगी कि ब्लैक बोर्ड के सामने आप खड़े हो जाएंगे और आपके सामने जहाँ बच्चे बैठते हैं वहाँ पे फर्स्ट बेंच या लास्ट बेंच पे एग्जामिनर बैठे रहेंगे, और कुछ बच्चे होंगे आपके क्लास के हो सकते हैं या फिर किसी दूसरे क्लास के भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे बच्चे बैठे रहेंगे, उनके सामने आपको एक लेसन प्लान पढ़ाना होता है। ओके, तो इस प्रकार से सेकेंड ईयर का एक लेसन प्लान एग्जामिनर के सामने पढ़ाना होता है। और एग्जामिनर कभी कभी आपसे पूरा लेसन प्लान नहीं बनवाते, पढ़वाते, आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं। अगर आप अच्छा कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं तो वो कहते हैं ठीक है आप जा सकते हैं, और कुछ जो बच्चे हिचकिचाते हैं उनसे कहते हैं कि और पढ़ाओ। तो बहुत कॉन्फिडेंस होकर जाना है, और कैसे पढ़ाना है, जैसे सेकेंड ईयर के बच्चे जैसे क्लास में एंट्री करेंगे, बच्चों के सामने आपने फाइल दी थी, सर कहेंगे स्टार्ट करो, तो आप सबसे पहले कहेंगे गुड मॉर्निंग क्लास, उसके बाद जो भी प्रोसेस होता है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैं एक वीडियो बनाऊँगा, मैं खुद एक डेमो दिखाऊँगा कि कैसे आपको वहाँ पर सेकेंड ईयर के टीचिंग करनी है एग्जामिनर के सामने। तो ये हो गई बात प्रैक्टिकल की। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि टेंशन वाली बात नहीं है, प्रैक्टिकल अच्छा होता है, इंटरेस्टिंग होता है, आप अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ मिलेंगे, सबके साथ बातें करेंगे, तो इतना ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत नॉर्मल होता है। और वही फिर से मैं रिपीट करूँ कि मार्क्स जो होते हैं ना वो कॉलेज वाले ठीक ठाक सबको दे देते हैं, तो इतना घबराने वाली बात नहीं। बाकी रिजल्ट की अगर हम बात करें कि रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट दोस्तों देखो सेकेंड ईयर का जो रिजल्ट है ना, वो एग्ज़ाम प्रैक्टिकल एक बार सारे कॉलेजेस के हो जाएं फिर हम डिसाइड कर पाते, क्योंकि हो सकता है कुछ कॉलेज के प्रैक्टिकल बहुत लेट तक होता है तो फिर हम डिसाइड नहीं कर पाते। तो एक बार सारे कॉलेजेस के हो जाएं फिर अपन डिसाइड करेंगे, लेकिन हाँ सेकेंड ईयर के रिजल्ट पहले आ जाएंगे, ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर सेकेंड के साथ आएगा। अभी तक यही होता है कि सेकेंड ईयर का रिजल्ट बहुत पहले आ जाता है, मतलब सारे कॉलेजेस के अगर प्रैक्टिकल हो गए तो उसके 10 से 15 दिन के अंदर आपके सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ जाता है, और जब सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ जाता है तो उसके 10 से 15 दिन या फिर 20 दिन के करीब में फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ जाता है। तो घबराइए मत, चैनल से जुड़े रहिए, आपको हर एक अपडेट यहाँ पे मिलती रहेगी आपके बीएड के रिगार्डिंग।
तो ऐसे जुड़े रहिए चैनल से। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके पेपर ख़त्म हुए। थोड़ा सा रिफ्रेश कर लीजिए, एंजॉय कर लीजिए। रिजल्ट आने के बाद हम नेक्स्ट सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सीटेट को ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके आगे की पढ़ाई के लिए, खासतौर पर सेकेंडरी वालों के लिए। और सॉरी, अब तो आप सीनियर हो गए ना, आप तो सेकेंडरी भी नहीं कह सकते क्योंकि आपने सेकेंडरी क्रैक कर लिया। तो आपके सीनियर बच्चों के लिए और जो बच्चे इस बार फर्स्ट ईयर से सेकेंडरी में आए हैं, उनको भी हम यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को ये खत्म करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये पूरा साल मुझे बड़ा अच्छा लगा आप सबसे बात करके। आज तो देखो मेरा मतलब बात करने का मन ही नहीं खत्म हो रहा है, मतलब बस बस। तो बड़ा अच्छा लगा, और आप सब जुड़े रहिए चैनल से, ऐसे ही हम बातें करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, चैनल से जुड़े रहने के लिए, अभी तक के आपके जो भी सपोर्ट्स रहे हैं, कमेंट के लिए, लाइक के लिए, सब के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आगे भी ऐसे साथ बना रहेगा हमारा। जय हिंद, जय भारत। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें दोस्तों के साथ, जुड़े रहिए चैनल से। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।